लॉकडाउन में हुई मौत पर यूनाइटेड मिली फोरम ने दी श्रद्धांजलि। हाजिर हूँ मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। अगर आप आरबीसी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बेहतर खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ के प्रायोजक हैं फिनो बैंक, हैदरनगर रोड बक्सी उच्च विद्यालय के समीप। उर्दू अखबार कौमी तंजीम लिखता है, भोजन का अधिकार अभियान बिहार के द्वारा दिनांक 24 मई 2020 को वर्चुअल मीटिंग में लिए गए निर्णय के आलोक में बीते दिनों यूनाइटेड मिली फोरम हुसैनाबाद के तत्वाधान में लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन से मुतासिर होकर भूख से हुई मौत या पैदल चलने की वजह से प्रवासियों की मौत, यही नहीं महिलाएं बच्चे बीमारों की सरकारी उपेक्षा से हुई मौतों के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में 1/6/2020 को मौन सत्याग्रह का आयोजन बंद पड़े पूर्व लिम्का हॉल के प्रांगण में हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में मिली फोरम के संयोजक मोहम्मद जुबैर अंसारी ने कहा, यूनाइटेड मिली फोरम हुसैनाबाद आज उनके शोक में 2 मिनट का मौन रखता है और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। श्रद्धांजलि देने के लिए समाजसेवी इम्तियाज आलम, हसनैन आलम, हसन आरजू उर्फ मिंटू, तसव्वुर आलम, मोहम्मद चांद, सरजू राइन, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद कामरान व मुबारक कली आदि मौजूद थे। आपको बताता चलूं कि आज के लिए बस इतना ही। शेख मुजाहिद हुसैन आबादी के साथ बने रहिए आरबीसी चैनल पर। हम कराते रहेंगे आपको हकीकत से रूबरू।